मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं और मेरा बेटा जो है मोहम्मद अकबर और जो है उसको शिकागो भी जो है बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था मैं एजुकेशन पे। वहां पे जो है बच्चे को कार पार्किंग गया तो वहां शूट कर दिया बच्चे को शूटिंग, उसमें दवाखाने बच्चा एडमिट है और उसको मेरी खास जरूरत है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है उसको। प्लीज़ मेहरबानी करिए, हुकूमत से मुतालबा करता हूँ मैं सुषमा स्वराज साहब जी से और नरसिम्हा जी हेमंत होम मिशन से मिल के आ रहा हूँ मैं भी और केसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अगर मेरा काम आसान करे। मेरे को तकलीफ है पैरों में, बहुत परेशान हूँ मैं, मेरी बीवी की जो है तकलीफ है पैरों में, मेरे छोटे बच्चों को इजाज़त दिया हम दोनों तीनों जाके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, कोई कोई नहीं हेल्प करने आ रहा मेरे बच्चे को। वहाँ पे मेरा बच्चा परेशान है बहुत, मेरे बच्चा बात नहीं कर सकता दो तीन हफ्ते तक, बात डॉक्टर को बोले मेरे को बच्चा जो है खतरे से बाहर है लेकिन बहुत जो है बात नहीं कर सकता बच्चा पर, उसको खिलाना पिलाना धुलाना अच्छा बुरा जो भी करना है या भाई करता है या माँ कर सकती, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ और जितने भी हमारे जो है तेलंगाना के साथी दोस्त है सब मेरे भाई है, मैं उनका भाई हूँ, उस सबका बेटा है वो, उसको बचा लो, उसको बचा लो, उसको उसको बचा लो, मेरे बच्चे को मेरे को भिजा दो, मेरे बच्चे को मेरी बीबी को भिजा के भेजो मेरे को, मैं शुक्रगुजार रहूंगा तुम लोगों का। मेरे मेरे मुल्क का है, मेरे मुल्क जितने भी और जो नौजवान बच्चे हैं उनको जुल्म नहीं होना, उनको जो है जो परेशानी हो रही है जो लोग गोलियां मार रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप लोग देखो उनको, बचाओ उनको, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है बच्चे हो, वो बच्चे आने से जो हमारे मुल्क में तरक्की होंगी, हमारे मुल्क को जो बच्चा उठा रहे आईटी के लिए गया बच्चा, मास्टर कर लिया आईटी कर रहा, 3 महीने पढ़े बाकी मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे ऊपर भगवान है नीचे आप लोग हैं, हिम्मत कर लेंगे यहाँ से, आप लोग भगवान ऐसा बड़े होते बनाए तो जो है गरीबों की मदद करो, हमारी मदद करो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर क्या बोला आपको? आईटी जस्ट होने करो ऑलमोस्ट 3 इयर्स, जनवरी लो 3 इयर्स का, 3 इयर्स के 3 इयर्स आई नहीं रहा लेते मध्यलो रहा लेते रहा लेते अकड़े नोड़ो अकड़े नोड़ो शिकागो इलानोइ जो మీరు ఏం కొరియారు? హోమ్ మినిస్టర్ ఏమని అడిగారు? మేము వీసా కోసం సహాయం చేయమని అడిగాము, యాజ్ సూన్ అస్ పాసిబుల్ అయిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి అటెండ్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మాకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తలేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో వస్తుంది, కంప్లీట్ వస్తలేదు, అక్కడికి వెళ్ళి మేము చూస్తే తెలుసుకోవచ్చు మాకు అసలు ఏమైంది ఏందో, ఇంకేంటంటే అక్కడికి ఒకడే ఉన్నాడు అక్కడ సహాయం చేయాలి కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళి ఏమని హామీ ఇచ్చారు హోమ్ మినిస్టర్? హోమ్ మినిస్టర్ మాకు కూర్చొని కౌన్సిలింగ్ చేశారు, చెప్పారు బాధపడకండి మేము అక్కడ హెల్ప్ చేస్తారు, హోమ్ మినిస్టర్ టీమ్ అంతా మాత్రం కూర్చొని డిస్కషన్ చేసింది, చేసినాక వాళ్ళు మా డీటెయిల్స్ అంతా తీసుకుని వాళ్ళు ఇవాళ సండే అయితే నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డే వాళ్ళు అండ్ కన్సర్న్ అథారిటీస్ మాట్లాడి మాకు సహాయం చేస్తాను చెప్పారు. మీ పేరు ఏమవుతారు? మొహమ్మద్ షఫీ అని అతను ఓల్డర్ బ్రదర్. ఫాదర్ మొహమ్మద్ యూసఫ్. दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज़ 7 को और प्रेस कीजिए